जगपालनी करुणा भी नहीं हर बार सकल मनोरथ दुख दूर करिए मम सुनिए मात पुकार। ओम जय अम्बे जगपालनी करुणा भी नहीं हर बार सकल मनोरथ मम दूर करिए मम सुनिए मात पुकार। जय 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 माँ भगवती के शैलपुत्री रूप यानी शैलारी माता की मंदिर में आपका स्वागत है। ये मंदिर लखनऊ और बाराबंकी के सीमा पर गोमती नदी के तट पर मौजूद है। यहाँ पर रहस्यमय जल का स्रोत आज भी निकल रहा है। आप माता सैलानी की मूरत के सामने दर्शन कर रहे हैं। माँ दुर्गा का ही रूप माँ शैलपुत्री यानी सैलानी माता के दर्शन और इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं यहाँ हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। आपके मन में जो भी इच्छाएं हों माँ से आप मांगिए और देखिए माँ अगर उन इच्छाओं को ना पूरा कर दें तो आप कहिएगा। हर सच्चे हृदय से आस्थावान व्यक्ति की आस्था को पूर्ण करने का इतिहास रहा है। ये मंदिर कितने दिनों से पवित्र स्थान है नहीं पता किसी को भी है। आसपास बाबा पूंजा पाठ करने वाले लोगों डालूपुर से लेके आसपास बरौली तक लोगों से जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में तो मालूम है, ये 30-40 साल पहले धीरे धीरे करके बना। यहाँ पर वीरान एक समय जंगल होता था लेकिन देवी के सिद्ध स्थान की सैकड़ों साल पुरानी कहानी है। जब से हम लोगों ने या पुरखों ने होश संभाला उससे पहले माता का पवित्र स्थान मौजूद था। जंगल के बीच में बस कलसा और घुड़वा चढ़ते थे, वहीं पर नीम और पीपल का पेड़ था, लोग पूजा करने आते थे। समय के साथ साथ लोगों की मनोकामनाएं जस जस पूरी होती गई, आस्तिकों का आस्था सैलाव ऊपर बढ़ता गया। ये नीम का पेड़ वही है, उसी पेड़ पर आज भी माता विराजमान है। यानी कि जब लोगों को जानकारी हुई तो लोग धीरे धीरे यहाँ पर आने लगे और इसी देख सकते हैं चारों तरीके पक्के पक्के निर्माण हो चुके हैं। ये मानव के बसेरे के निशान हैं। कभी यहाँ पर शांतिपूर्वक माता वीरान जंगल में निवास करती थी और सभी जगह पर आम तौर पर देवी देवता ऐसे ही जगहों पर निवास करती हैं। ये वही पीपल और नीम का पेड़ है जहाँ पर दूध चावल छिड़के जाते हैं। कहते हैं इससे माताएं इच्छाओं को पूर्ण करती हैं और इस पुराने पेड़ की शाखाएं डाल पवित्रता बताती है कि यहाँ पर देश विदेश से लोग भी आते हैं। इसे उत्तर प्रदेश टूरिज्म यानी तीर्थ क्षेत्र में भी जगह दिया गया है। और माँ के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो संभव नहीं है। आसपास के लोग माता का जयकारा लगाते हुए अपने यहाँ हर प्रकार के सुख दुख में आते हैं और मनोकामनाओं के साथ दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मनाते हैं। माँ वैष्णो के सभी रूप में शक्ति है और सती माता से भी बगल में ही थोड़ी दूर पर माँ चांदिका देवी का स्थान है जहाँ पर माता सती का अंग गिरा था। उसी से कुछ दूरी पर ये खंडपीठ यानी पवित्र सैलानी माता का पावन गोमती के तट पर मंदिर है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में स्थानीय लोग भी नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि यहाँ पर आज भी कुंड निरंतर 24 घंटे साल के बारह माह सैकड़ों साल से उबलता हुआ पानी निकलता है और 20 से 25 फुट नीचे गोमती नदी में गिर जाता है। ताजुब की बात है कि 20-25 फुट नीचे क्षेत्र में पानी कहीं नहीं निकलता, केवल मंदिर परिसर में। अभी हम आपको कुंड के दर्शन कराएंगे। हम एक ऐसा दिन चुन कर गए जहाँ पर वहाँ कोई ना मिले, लेकिन देवी स्थान पर अलग अलग जनपद से लोग मौजूद थे। और ये माता का ही चमत्कार है कि कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जब लोग दर्शन करने ना आते हों। कहते हैं कई लोगों ने माँ से मनौती मांगने के लिए अपनी जीभ काट के माँ को चढ़ा दी और उनकी जीभ भी ठीक हो गई और वो बोलने भी लगे। ये भी एक माँ की शक्ति का प्रमाण है। ये मेला परिसर है, अमावस पूर्णिमा और नवरात्र के नवों दिन यहाँ पर
विकराल मेला लगता है पूर्णिमा। लेकिन हमेशा ऐसा ना था। आज से 20 साल पहले केवल साल में एक दिन दिन भर का माघ पूर्णिमा को मेला लगता था, लेकिन आज भक्तों की आस्था ने सब कुछ पलट के रख दिया है। अब तो हर दिन यहाँ पर सुबह से शाम तक दो चार पूजा पाठ और फल की दुकानें यानी प्रसाद की दुकानें होती हैं। ये वही कुंड है जहाँ साल के बारह मास पानी निकलता है और ये पानी ऊपर से जाता जाता नीचे गोमती नदी में जाता है। इसके अंदर तीन टोटियां हैं और अंदर मछलियां पली हुई हैं। लगभग एक इंजन के बराबर साल का बारह मास पानी निकलते रहता है। हमने इसमें स्नान भी किया और भरी दोपहर में उस ताजगी का एहसास हुआ, शायद ऐसा और कहीं नहीं होता है। ये पवित्र स्थान अपने आप में किसी स्वर्ग से कम नहीं। इसका एहसास ही क्षण क्षण को अंग अंग को रोमांचित करने वाला है। ऊपर से बड़ी बड़ी रंग बिरंगी मछलियाँ जो शायद चारों तरफ से ज़मीन से लाख हम लखनऊ वासियों के लिए थोड़ी अलग ही बात है। हम इस कुंड के आगे बढ़ते हुए दर्शन करने के लिए फिर गए। अलग अलग वीडियो के जरिए हम आपको कहानी बताते रहेंगे कि आखिर हुआ क्या है और इस कुंड का यानी मंदिर का रहस्य क्या है। बाबाओं को कितना मालूम है, पुराने स्थानों की हर किसी को जानकारी भी तो नहीं। आप कुंड के प्रकृति का एहसास को करिए और देखिए कि किस तरीके से मनमोहक दृश्य है अलग अलग जल का और उसमें क्रीड़ा करती हुई मछलियाँ। आगे वीडियो में कुंड के रहस्य, कुंड का पानी कहाँ जाता है, कैसे है, सब जानकारी आपको मिलती रहेगी। ऐसे ही वीडियो के लिए आप इंडिया ई ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। ये मछलियाँ हैं, इन पर माता जी की विशेष कृपा है। लोग लैया और आटा की गोलियाँ डालते हैं यानी एक तरीके से दान पुण्य। कहते हैं ना, किसी मनुष्य को दान करने से जो फल मिलता है, अगर किसी अनबोला जीव को दान किया जाए तो उससे कई गुना ज़्यादा फल मिलता है, क्योंकि इनका सहारा तो हमारे आपके दान से ही तो चलता है। इनका पेट इसी से भरता है, क्योंकि इस कुंड के अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है जिन्हें खा सके। सीधे तौर पर इन मछलियों को हम शुद्ध शाकाहारी की श्रेणी में रख सकते हैं। जय हिंद। से भारत माता की। लाइक शेयर सब्सक्राइब।